कैसे हो, मैं हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और आपका आपका गुरुकुल में स्वागत है। तो आज हम आपको पता ही है, हमें सब जो जितने हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि हमने क्या शुरू किया हुआ है, नोमेनक्लेचर शुरू किया है और हमारे ऑलरेडी 7 पार्ट्स हो चुके हैं। तो आज हम जो हमारा 7th पार्ट था उसके आगे हम दोबारा आगे शुरू करेंगे। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, बेसिक्स अगर हम देखें उसमें क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे सारे हमने कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ देखा था कि किसको पहले हम प्रेफरेंस देते हैं, पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर हम देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर हम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हम देते हैं साइड चेन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी बेसिक से। पर आज हम अगला रूल पढ़ेंगे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और एज ए उसको क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। मान लो जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, होप कि आपने वो पिछले लेक्चर्स अच्छे से स्टडी किए होंगे। ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर आपने वो पिछली जो जितने भी नोमेनक्लेचर की सीरीज है पार्ट्स हैं वो सारे देखे होंगे, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है तो वैसे बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, बेसिक्स एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या होगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक को हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और एक को हम दूसरे को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। किसको प्राइमरी मानेंगे, किसको सेकेंडरी मानेंगे, तो यही रूल कहता है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने जितने भी पिछले लेक्चर्स किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर हम फिर दोबारा वही रिकैप करेंगे, पहले वर्ड रूट लिखना है, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर उससे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, ये अगर हम दोबारा देखें तो ये वर्ड रूट था, फिर इधर क्या करते हैं प्राइमरी सफिक्स, इधर क्या करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, और इधर क्या आता था प्रीफिक्स, ये वाला इधर। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा कि पिछली बार तो हमने कहा था कि एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी। तो अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो फिर क्या होगा, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो हमारे पास एक ये सीरीज है, इस सीरीज के मुताबिक अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक को प्राइमरी मानेंगे, दूसरे को सेकेंडरी मानेंगे। अब प्राइमरी किसको मानेंगे, सेकेंडरी किसको मानेंगे, प्राइमरी किसको मानेंगे, जो इस सीरीज में पहले आएगा वो हमारा रहेगा प्राइमरी। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब, जैसे हम उस फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कैसे लिखते हैं, ऑयक के साथ, ऑयक एसिड, पिछली वीडियो में बताया मैंने, ठीक है। एल्डिहाइड को कैसे एंड करते हैं, अल से। कीटोन को कैसे करते हैं, ऑन से। ये क्या है, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही रहेगा। प्राइमरी ग्रुप क्या है, जैसे उसका नाम लेते हैं वैसे ही नाम लेना है। पर इस प्रेफरेंस में दूसरा जो दूसरे नंबर पे आएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। उसका नाम वैसे नहीं रहेगा, उसका नाम कैसे हो जाएगा, इस तरीके से नाम चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सेकेंडरी ग्रुप क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। अब वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या बनता है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब जो दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है वो अब वो क्या, अब उसके लिए जगह बची नहीं, अब वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लें, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी लगा और कीटोन भी लगा। क्या लगा, एल्डिहाइड भी लगा और कीटोन भी लगा। अब बताइए एल्डिहाइड पहले आ रहा है या कीटोन पहले आ रहा है, एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड को क्या मानेंगे, एल्डिहाइड को क्या मानेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब जैसे उसका नाम है वैसे ही रहेगा, तो एल्डिहाइड का नाम वैसे रहेगा। कीटोन, एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, किससे एंड करते हैं, अल से, अल, है ना। तो कीटोन्स, कीटोन को कैसे करते थे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में ऑन के साथ, पर अब वहां पे ऑन नहीं आएगा, अब कीटोन का नाम चेंज हो गया। अब कीटोन देखो कहां पे, ये कीटोन, कीटो ग्रुप। अब इसको क्या लिखेंगे, कीटो। अब कीटो यहां पे आएगा, कीटो, ऑक्सो, ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं। अब ये क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी सफिक्स। ये कब बात बता रहा हूं, जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे, तब हमने एक को मेन मानना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे जिसका नाम था वैसे ही लिखेंगे। सेकेंडरी का नाम इस जो हमने ये लिखा सारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स किया। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अब क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, ठीक है। ये इसको COR को अल्कोक्सी, COX मतलब हेलो फॉर्माइल, इसको क्या बोलते हैं, हेलो, हेलो मतलब, अगर यहाँ पे हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्माइल, फ्लोरोफॉर्माइल, ये कुछ भी होगा, हेलोजन पे डिपेंड करेगा। अब CHO को वैसे हम क्या बोलते थे, LDHD बोलते थे ना,
पर अगर ये सेकेंडरी स्फिक्स के रूप में आएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा, सॉरी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के, तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा। एलडीआर क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। अब ये एलडीआर नहीं बोलना इसको, इसको क्या बोलना है फिर? फॉर्माइल। क्या बोलना है? फॉर्माइल। तो जैसे OH तो सभी को पता कि OH क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल किससे एंड करते हैं? ऑल के साथ, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। पर ये कब, ऑल कब बोलते हैं? जब वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। पर अगर ये सेकेंडरी बन के आ गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन के आ गया, अब ये किस तरीके से यूज करेंगे? एज इसको क्या मानेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे हम मानते थे मिथाइल इथाइल जो लगते थे पहले, है ना। अब इसको ऑल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूंगा फिर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, ये एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 COH। सपोज मैं यहां पे OH लगा देता हूं, ठीक है, CH3 CH OH। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। यहां पे क्या आ गया? हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा? ये वाला COH, एक क्या है? OH। अब ये देखो OH, OH को वैसे हम क्या लिखते हैं? ऑल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? ऑयक एसिड के साथ। पर अब यहां पे क्या देखना है? दोनों दोनों ग्रुप आ रहे हैं, पर इनमें से मेन किसको मानेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? प्राइमरी किसको मानेंगे? इस सीरीज के मुताबिक। पहले क्या आया? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पे क्या आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा है, मतलब ये तो मेन बंदा घर का। इसका जैसे नाम लिया जाता है वैसे ही नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? ऑयक एसिड। अब दूसरा कौन लगा हुआ है? OH। OH मतलब ऑल होता था, पर ऑल नहीं, क्योंकि अब ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्फिक्स। अब इसका सेकेंडरी स्फिक्स का नाम क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है, देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी यहां पे आके यहां पे अल्कोहल आ रहा है, बहुत दूर आ रहा है। पहले क्या आता? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी इसका नंबर बहुत देर बाद आया अल्कोहल। इसका मतलब अब ही इसको प्राइमरी घर का मेंबर नहीं मानेंगे, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। अब ये क्या है हमारा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। तो इसका नाम कैसे लेंगे? यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, जैसे नंबरिंग आपको पता ही है, 1 2 3 4। नंबर चार, चार को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट देखें पहले। सबसे पहले वर्ड रूट को देखें, क्या है चार का मतलब? ब्यूट। इसमें सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। अब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये वाला सेकेंडरी स्फिक्स के यहां पे आएगा, ब्यूट एन वन ऑयक एसिड। अब ये OH, ऑल की कहानी खत्म होगी, अब इसको ऑल नहीं मानना। अब ये क्या है हमारा? सेकेंडरी स्फिक्स। सेकेंडरी स्फिक्स की जगह, अब सेकेंडरी स्फिक्स की, सॉरी सेकेंडरी स्फिक्स कह रहा हूं, ये प्रीफिक्स हमारा, ये क्या आ गया? प्रीफिक्स। अब इसकी जगह कहां पे आती है? यहां पे, वर्ड रूट से पहले। ठीक है, अब इसको वैल्यू नहीं देनी, अब ये आम जो प्रीफिक्स है उसकी मिथाइल इथाइल की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसका नंबर यहां पे आएगा, तो ये क्या है? 3 hydroxy butane 1 oic acid। ये कब हुई कहानी? जब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आए थे। तो ये सीरीज याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे SH था, SH अगर मेन में आता तो क्या बोलते हैं इसको? थायोल। अगर ये ग्रुप बन के आए, प्रीफिक्स बन के आए, तो फिर क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। क्या बोलते हैं? मरकैप्टो। क्लियर? अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, अब देखिए पहले तो हमारे हमें इनकी इनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। ये चीज़ें, ये अगर नहीं पता तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी समझने, ठीक है, उसके लिए आप पहले वीडियोस देखें, मैं रिकमेंड करूंगा वो जरूर देखें पहले आप। तो अब ये देखें हमारे पास एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है? CO, कीटोन ग्रुप, कीटो। एक एल्डिहाइड और एक कीटो, अब दो ग्रुप लग गए, दोनों फंक्शनल ग्रुप है। किसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, किसको हम सेकेंडरी मानेंगे? ठीक है, तो अब हमारे हमें पता ही है कि कौन सी सीरीज है, ये वाली सीरीज। यहाँ पे चलो, अब पहले क्या आया? एल्डिहाइड, फिर क्या आया? दूसरा कीटोन्स। अब प्रेफरेंस किसको, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे? एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन से पहले आया। इसका मतलब एल्डिहाइड को जैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हैं पहले, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जैसे उसका नाम होता है अल, वैसे ही हम
सेकेंडरी सफिक्स में उसका एंड करेंगे अल से, पर कीटोन को ऑन से वैसे करते हैं पर ऑन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑन क्या बन गया, ऑन क्या कीटो क्या बन गया, अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रीफिक्स, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू खत्म, ये मेन बंदा, ये मेन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये क्या होगा हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता ही है कि अगर CO CO तो हम क्या लिखते हैं इसको, ऑक्सो या कीटो के साथ, क्लियर है, यहां पे एक्ट करेगा एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो नाम देखते हैं, नंबरिंग करो पहले, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग किधर से करनी है, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, जो मैंने पिछले रूल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पांच कार्बन लगे हैं, पांच का मतलब वर्ड रूट क्या हुआ हमारा, पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स जो हमारी जो चेन ली हमने पांच कार्बन की, उसमें कहीं डबल ट्रिपल या डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, कौन सी बॉन्ड है, सिंगल ही है, सिंगल है तो सिंगल के लिए क्या बोलते हैं, एन, पेंट एन। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो मेरा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कौन सा लगा हुआ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब अल, पेंटेन, पेंटेन वन अल। अब ये क्या आ गया हमारा, फोर पे क्या लगा है, कीटो ग्रुप, पर कीटो को हम कीटो ऑन थोड़ी बोलेंगे, अब क्या हो गया, वो क्या आ गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब प्रीफिक्स आ गया, मतलब वो अब क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल इथाइल वगैरह, क्लोरोफ्लोरो वगैरह होते हैं इसका मतलब। तो ये क्या बन गया हमारा, फोर कीटो का क्या बोलते हैं, ऑक्सो, इसका मतलब ऑक्सो, पर कहां पे लगा है, कितने नंबर पे, फोर ऑक्सो, फोर ऑक्सो, पेंटेन वन अल, क्लियर। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, जिसमें भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या है सियानो ग्रुप CN, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑयक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड, ये साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर वही चीज, नंबरिंग किसको, प्रेफरेंस किसको मिलनी है, सबसे पहले जो सीरीज में पहले आएगा, सीरीज में पहले कौन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब ये हमारे हमारा प्राइमरी मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। कहने का मतलब जैसे जिस जैसे इसको ऑयक एसिड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में ऑयक एसिड के साथ ही उसका एंड करेंगे। पर अब देखें NCN साइनाइड, साइनो ग्रुप है, ठीक है, ये कहीं पे घूम फिर के कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत दूर आया हमारा, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अब नाइट्राइल या साइनाइड के साथ एंड उसका नहीं करेंगे, इसका इसका नाम क्या आ गया, अब क्या बन जाएगा सियानो, ये क्या बन गया सियानो। तो नाम बोलिए, अब देखिए ये बड़ी एक मेन चीज समझने वाली है, 1, 2, 3, 4 नहीं, यहां पे 4 नंबरिंग, 4 नंबर कार्बन ये वाला नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, ये समझने वाली याद रखनी है इंपॉर्टेंट, ये नहीं लेना, क्योंकि ये क्या बन गया, अब हमारा क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं, ये चेन में नहीं आएगा। तो नंबरिंग कहां तक रहेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1, 2, 3 बस, ये हमारी कार्बन, ये तो हमारा क्या है ग्रुप लगा हुआ है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये एज ए प्रीफिक्स काम करेगा। तो इसका मतलब ये तीन कार्बन मतलब प्रोप, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड एन, वन पे क्या है प्रोपेन वन, ऑयक एसिड। अब थ्री पे क्या लगा हुआ है, थ्री पे क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा सियानो, तो फिर क्या हुआ थ्री सियानो प्रोपेन वन ऑयक एसिड, प्रोपेन वन या प्रोपेन ऑयक एसिड भी बोल सकते हैं, वन ऑयक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ थ्री सियानो प्रोपेन वन ऑयक एसिड, क्लियर हो गया, लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, हम सारी एग्जांपल्स नहीं ले सकते, काफी सारी एग्जांपल्स बन जाती है, आप बुक्स में से बुक को रेफर कर सकते हैं, उसमें से अगर कोई नहीं समझ आ रही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी उस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम पे भी लिंक आ चुका है, और आप मुझे फेसबुक के पेज आपका गुरुकुल पेज पे भी अपने कोई भी जो सुझाव है या कमेंट्स है या आप पूछना चाहते हैं कुछ क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं।